हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं राशन लेने। बच्चे घर में ही हैं, बिल्कुल पास में ही हैं। वैसे तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन लेके कैसे आएंगे, तो स्कूटी लेके जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे स्टार्ट हो गई है ग्रॉसरी शॉपिंग। और मतलब जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो 2-3 महीने बाद, समझ लो 3 महीने बाद हम ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाया नहीं हमने, मतलब ये हुआ कि जो चीज़ ख़त्म होती रही वो लाते रहे, बट स्पेशल तब से अभी आ रही हूँ मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने ना। और 1 महीना तो खैर छुट्टियों में ही निकल गया, सब पता ही है आपको। 1 महीना मेरा हाथ में ही निकल गया, तो बस यही था। तो बच्चों को, वैसे बच्चे भी आते हैं साथ में, लेकिन बच्चे ना अभी टीवी देख रहे थे। हमने कहा चलो, वो एक तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ाई करते हैं, फिर ये कि 1 घंटा टीवी देख लेंगे आराम से, तो फिर थोड़ा इंजॉयमेंट चाहिए, क्योंकि पूरा दिन भर भी तो बच्चे पढ़ नहीं सकते और अभी तो छोटे ही हैं। तो वो टीवी देख रहे थे, हमने कहा चलो तब तक हम ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं। और बस यहाँ पे वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई मैं, बच्चे रहते ना तो बच्चे अच्छे से बना लेते हैं, बट वही है मैं नहीं बना पाई। तो यहाँ पे सामान ले रही थी तो ऐसी बन गई वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूरी है, तो बस सामान ले लिया है। घर जाके दिखाऊंगी आपको क्या क्या लिया है हमने। और बस ग्रॉसरी शॉपिंग का यही है, यही मतलब इसमें सारा ही आ जाता है, क्रीम पाउडर। अब पाउडर मैंने पता है 2-3 चीज़ें मैंने छोड़ भी दी है, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा। एक तो इन्होंने स्टोर चेंज करी, इस वजह से वहाँ स्टोर में हाथ बैठा हुआ था ना, तो इस वजह से भी ये सब हो गया। कल ग्रॉसरी लेके आए थे तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो शॉर्टकट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैम है, सॉस है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी, ऑयल है, शैम्पू यही यूज़ करती हूँ मैं, मतलब बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स था मतलब जो सामान था वो कम लाए हैं, वो है वो नैपकिन पेपर है, डेटॉल है। इस बार मैं फेयर एंड लवली लाई हूँ, मैंने पता नहीं कितने सालों बाद याद यूज़ कर रही हूँ। और वैनिश है, वैनिश ज़रूर लाती हूँ मैं, क्योंकि वाइट कपड़े ना, इसी से आप पते। मैगी है, नमकीन है, भुजिया और ब्रेड है, नमक है, बिस्किट है। ये बिस्किट तो कुछ खा भी लिए बच्चों ने, तो ये हैं, ये आजकल बोलते हैं स्कूल के लिए ना हमें बिस्किट देना, इसलिए मैं छोटे वाले लाई हूँ। और ब्रश है, जिलेट है, फिर वो है पेस्ट है, ब्रश एक्स्ट्रा रखते हैं हम। इसलिए गर्म मसाला सोच रही थी तो एग करी मसाला, मतलब वो ये सब्जी वगैरह में डालने के लिए, रिफाइंड है और वो है ऑयल है, एक एक की लाए हैं, क्योंकि है सर्फ है। और ये है चने की दाल, छोले की दाल, और ये है मसूर की दाल, ये नमस्ते बच्चे भी आ गए, प्रणाम। तो ये है, गिराओ नहीं ना, ये है मलका की दाल, सॉरी ये अरहर की दाल है, काली दाल है, ये है चने की दाल, ये स्कॉच ब्राइट है, मतलब बर्तन धुलने वाले 2-3 है, ये फिश वो सोप है, ये हैंड वॉश ना हम पाउच लाते हैं, बच्चे ना वो गिराते हैं, तो पाउच ये पाउडर वाले होते हैं ना पानी के साथ, वो सेल है, बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये ओट्स हैं, ये है सूप है, ये धूप है, ये रायते के लिए बूंदी, सॉरी छोटे छोटे पैकेट लाते हैं ताकि वो ना हो। और ये है रिन, ये है पीताम्बरी, ये है चेरी, वो ये है सेवई, और ये है चाय पत्ती। वो ये जितना जो सामान था वो कम लाए हम। तो ये है हमारी आज इस बार की ग्रॉसरी। तो बस सब बच्चों को पहले नाश्ता वगैरह देती हूँ, फिर इसके बाद ये ग्रॉसरी संभाल। तो फिर बस इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चे आ गए थे, सामान वहीं पे था, तो मैंने कहा चलो पहले बच्चों को, कल ब्रेड इसमें ही लाए थे हम राशन में ही, तो मैंने बच्चों को ना घी ब्रेड बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो घी में घी लगा के बच्चों को ब्रेड देती हूँ, और पसंद है उन्हें। अगर जैम के साथ खाएंगे ना तो सिर्फ जैम खाएंगे, फिर घी नहीं लगाएंगे, लेकिन घी के साथ ब्रेड मतलब कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें, घी के साथ ब्रेड दे दो, उन्हें वो ऐसे ही पसंद है। तो फिर मैंने कहा चलो करते हैं, वो घी लगाती हूँ, तो बस इनमें घी लगाऊंगी और बच्चों को दे दूंगी, और मैं भी अभी नाश्ता करूंगी जब एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के। वैसे तो मैं लेट ही करती हूँ 11 बजे वैसे, अब लेकिन आज कल ये बच्चों के साथ आजकल जल्दी हो जा रहा है नाश्ता, क्योंकि जल्दी के 11 तो खैर बजे जाते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों को दे दूँगी नाश्ता, बच्चों को नाश्ता दिया मैंने, फिर ना खुद नाश्ता किया, उसके बाद बैठी रही क्योंकि लाइट चली गई थी, तो वीडियो कैसे शूट करती, तो फिर इंतज़ार किया। तो ये डब्बा ला रखा था मैंने, वैसे धुलना था ये, बट वैसे साफ़ है, इतना गंदा क्या होगा, खैर पैकेट ही पैकेट रहते हैं इसके अंदर, बट वो ये फिर मैंने कहा चलो बाहर कपड़े से पोंछ दूँगी, क्योंकि हिम्मत नहीं है हाथ धुलने की ना, आपको पता ही है कि हाथ की प्रॉब्लम है। तो ये है कि जो सामान यहाँ पर है वो रख दूँगी, तो जो इसके अंदर वाला सामान है वो तो इसके अंदर रख दूँगी, ये नैपकिन थे ना, तो इसमें से कुछ निकाल के टिश्यू भी निकाल के वो उसमें होल्डर में डाल दूँगी इसके, क्योंकि
क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे बच्चे कुछ खा ले कुछ भी ना, तो हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए। तो बस ये सामान इसके अंदर डाल दूँगी, कुछ जो वॉशरूम का है वॉशरूम में जाएगा, जो फ्रिज का है फ्रिज के अंदर जाएगा खाने पीने का। तो बस ऐसे ही सामान रख दूँगी। और दाल वगैरह तो खैर रखनी थी डब्बों में, लेकिन डब्बे मैंने धुले ही नहीं अभी, और पता नहीं कैसे धुलूँगी अब। देखूँगी शाम को धुलूँगी ना, क्योंकि फिर ये भी रहेंगे साथ में, तो साथ में जाएगा, अकेले ना हिम्मत नहीं हो रही, बहुत सारे डब्बे हैं। और प्लस आपको पता ही है धुला तो मुझसे जा ही नहीं रहा है, तो ये डब्बा मैं ले गई हूँ। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके सामान किचन में रख तो दूँगी सारा, खैर जो जहाँ का है, बट वो ये कि डब किचन का काम कल ही हो पाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे धुलती हूँ कैसे, क्योंकि मतलब जैसे सफाई का है तो एक हाथ से कर लो, लेकिन जो डब्बे धुलने का है ऐसे काम ना दोनों हाथ कर लगते हैं, मतलब एक दूसरे हाथ से पकड़ना ही पड़ता है। हाँ तो मैं बोल रही थी, हाँ क्या बोल रही थी मुझे याद भी नहीं है। तो बस ये सामान जहाँ का है जो जहाँ रख दूँगी वहाँ रख दूँगी। और वैनिश देख रही हूँ ना, वैनिश में ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि वाइट कपड़े ना एकदम साफ़ हो जाते हैं। अगर आपने यूज़ नहीं करते हो ना तो यूज़ ज़रूर करना, एक ढक्कन डालना है वाइट कपड़ों में, और सर्फ तो डालना ही डालना है, वैनिश भी साथ में डालना है, तो उससे ना बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैं लाती लाती हूँ। तो बस ये सामान रखती हूँ, और इसके बाद फिर बच्चों को बिठा दिया है मैंने पढ़ने के लिए, और खाना बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स 1 बज गए हैं, बाल ना मेरे जीप से और चिपचिपे से, खाना मेरा बन गया है, दाल भी बन गई है। आज ना मैंने मिक्स दाल बनाई है, खैर दिखेगी नहीं ऐसे में, मिक्स दाल बनाई है। और अभी किचन की सफाई अब कल करूँगी, वैसे धूप तो आ गई है अच्छी, तो मुझे ना किचन के डब्बे धुलने हैं, और हिम्मत नहीं हो रही, ऐसा लग रहा हाथ से होगा कि नहीं होगा काम, तो इस वजह से कर नहीं पा रही हूँ। और कल देखूँगी, कल करूँगी। बच्चों को बिठाया है पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आपको पता ही है, उनके साथ बैठो तब जाके पढ़ते हैं। तो अब एक बज गए हैं, 1 से 2 बजे तक मैं पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद खाना दे के बच्चों को सुला दूँगी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। क्या हाँ छाता रख दो, तो नहीं नहीं छोटा। तो हम जा रहे हैं मार्केट, 4 बज रहे हैं, बच्चे सो रखे हैं, और हम चले जाते हैं, अभी खैर बड़े हो गए, जब छोटे थे तभी छोड़ के चले जाते थे, फ़ोन उनके बगल में रख दिया, टीवी है, तो जो उठेगा पहले फ़ोन देख लेगा जो भी है। और हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये फ़ोन है ना, ये फ़ोन मुझे सही कराने से, वीडियो सही नहीं बन रही, मैं बोल रही थी ना कैमरे के वहाँ पर क्रैक लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो कांच होता है वो चेंज करवाना है, मतलब जो स्क्रीन गार्ड होता है वो नहीं, फ़ोन का ही जो कांच होता है वो चेंज कराना है। और पता नहीं वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, वहाँ से फिर थोड़ा विशाल भी जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे घूमने के लिए, कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे, क्योंकि उतने टाइम 1 घंटा तो ले लगाएंगे वो, देखते हैं या फिर घर आएंगे या फिर जहाँ भी जाते हैं। चलो मैंने कहा चलो वीडियो तो बना ही लेती हूँ, देखो ये कितना बड़ा हो गया, नहीं नहीं तो चलो चलते हैं। तक उठ गए, उठ गए आप, ठीक है ढंग से रखना उसे, ठीक है हन्नू को ढंग से रखना है, रुलाना नहीं उसे, वॉच पहन लेती हूँ यार, हाँ आप रुलाना नहीं उसे, ठीक है चलो चलते हैं।